हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं चाय की। जी हाँ दोस्तों, चाय के बारे में तो आप जानते हैं, हमारे इंडिया में चाय पीना एक आदत है। बात बात पर लोग चाय की चुस्कियां लगाते हैं और देश में दोस्तों आपको हैरानी होगी कि करीब 80 से 90% लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम करते हैं चाय पीना। जी हाँ दोस्तों, ये जो परंपरा है या फिर ये कल्चर है दोस्तों, शहरों में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है। यहाँ तक कि गांव देहात में भी लोग अपने दिन की शुरुआत चाय पीने से शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? दोस्तों लोग अक्सर इस सवाल के ऊपर दोस्तों हमेशा कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। और हाल में दोस्तों एक रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि खाली पेट चाय पीना आपकी सेहत के लिए बहुत बुरी आदत होती है, खास तौर पर गर्मियों में। और दोस्तों चाय में कुछ मात्रा दोस्तों, अगर आपको मैं बता दूं, वो होती है कैफीन की। ये आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अल्थाइनिन भी नामक एक तत्व मौजूद होता है जो आपके शरीर को उत्तेजित करता है और आपके जो शरीर के जो अंग हैं उनको दोस्तों निष्क्रिय करने में काफी ज्यादा बड़ा योगदान अदा करता है। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि सुबह उठकर जो लोग हल्का फुल्का खाने खाने के बाद चाय पीते हैं दोस्तों, वो फिर भी ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीने के शौकीन हैं तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप सावधान हो जाइए। ये आपके पेट के अंदरूनी सतह के लिए काफी नुकसान होता है, और अगर आपने अपनी चाय पीने की आदत को सुधारा नहीं तो आपके पेट के अंदर दोस्तों अल्सर तक मौजूद हो सकते हैं, और ये आपके पेट में अल्सर करके आपके पेट को रोगी बना सकता है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्लैक टी पीना पसंद है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाय में दूध डालकर पीना अच्छा नहीं है। जी हाँ दोस्तों ये बात शायद आपको ना पता हो, लेकिन चाय में दोस्तों जब दूध डल जाता है तो दोस्तों ये खतरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि दोस्तों चाय में दूध और चीनी का मौजूद होना आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक है। ये आपको मोटा बनाता है, साथ ही दोस्तों कई सारी बीमारियों को दावत देता है। दोस्तों अंग्रेजों ने चाय की शुरुआत की हमारे इंडिया में, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी भी अंग्रेज दूध वाली चाय नहीं पिया करते थे। वो अक्सर नींबू की चाय या फिर कुछ ना कुछ शहद वगैरह मिला के उसे पिया करते थे। लेकिन दोस्तों जब हम इंडियंस के हाथ में चाय लगी, हमने तो इसको पूरा बदल ही दिया, और आज जो आप चाय पीते हैं गली ठहली और टपरी पे बैठकर, तो दोस्तों वो सारी चाय होती है दूध वाली। ये होता है नुकसानदायक। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको पूरा नुकसान बताने वाला हूँ, क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर सुबह उठकर खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं तो इससे आपके बाइल जूस जो है, जिसकी जो प्रक्रिया है वो दोस्तों बिल्कुल बैलेंस से बिगड़ जाती है, जिसके चलते दोस्तों आपको मिचली आती है और सुबह सुबह घबराहट महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, आम तौर पर ब्लैक टी को सेहतमंद माना जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा ब्लैक टी पियेंगे दोस्तों, ये भी आपकी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। सामान्य तौर पर दोस्तों माना जाता है कि ब्लैक टी पीने से आपका वेट लॉस होता है, बल्कि होता यह है कि जब आप ब्लैक टी बहुत ज्यादा पीते हैं तो इससे आपका पेट फूलने लगता है और आपको भूख कम लगती है। जी दोस्तों, आम तौर पर लोग दूध वाली चाय पीना काफी पसंद करते हैं, कहते हैं कि बहुत टेस्टी चाय होती है। दोस्तों नो डाउट टेस्टी बहुत है, लेकिन दोस्तों बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि खाली पेट दूध वाली चाय पीने से उनको जल्दी थकान महसूस होती है। साथ ही दोस्तों अगर उनकी बिहेवियर की बात की जाए तो हमेशा वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों अगर आप भी उनमें से हैं जो कड़क यानी स्ट्रॉन्ग टी पीना पसंद करते हैं तो दोस्तों आप संभल जाइए। जी हाँ, ज्यादा कड़क चाय पीने से दोस्तों आपके पेट में अल्सर होने का खतरा होता है। इससे पेट की जो दोस्तों अंदरूनी सतह होती है वो जख्मी हो जाती है, और आशंका ये होती है कि ये आपके पेट में जाकर जख्म और अल्सर कर देगा। जी हाँ, तो आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग टी ना पीजिए, थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग भी पियेंगे तो बात बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ये भी कहते हैं कि उनको बार बार चाय पीना बहुत पसंद है और उसे बार बार गर्म करके पीते हैं। जी दोस्तों, बार बार गर्म करके अगर आप चाय पीते हैं तो ये आपकी चाय आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एक बार चाय गर्म करके बना ली तो दोस्तों आपको उसे तुरंत उस टाइम ही पीना चाहिए। ये नहीं कि आप उसे ठंडी कर लें और उसके बाद फिर उसे चूल्हे पर चढ़ाकर फिर गर्म करें। दोस्तों ऐसा करने से जो उसके अंदर मौजूद जो आपने चीनी मिलाई है, उसे बार बार गर्म करने से उसकी जो निकोटीन
में कन्वर्ट होता है वो, और ये आपके हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। दोस्तों अगर आप इसके अंदर जो मौजूद चीनी है उसे बार बार गर्म करेंगे तो ये एक निकोटीन का रूप धारण कर लेता है जो आपकी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और चाय को दोस्तों एकदम बैलेंस में पियेंगे, और अगर आप चाहें तो दोस्तों ग्रीन टी का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट टी है, आपकी हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ना केवल आपको चाय फायदा देगी बल्कि आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर दोस्तों आप आदत से मजबूर हैं, आपको चाय चाहिए ही चाहिए, तो दोस्तों आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी खाली पेट चाय ना पीजिए। आप हमेशा बिस्किट, ब्रेड, पापे कुछ भी खाइए, लेकिन कभी खाली पेट चाय ना पीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, आप सभी अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।